आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में आयोजित अमृत महोत्सव में पहुंचे अयोध्या के महंत राजकुमार दास बोले, सियासत करने वाले करें इतिहास का अध्ययन। आजमगढ़ जिले में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव में जहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया, वहीं मुंबई से आए बैंड के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गाने गाकर सभी का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम के बहाने वीर सेनानियों को सम्मानित किया, जिनकी मेहनत से हम लोगों को आजादी मिली। कार्यक्रम में पहुंचे अयोध्या के महंत राजकुमार दास ने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। राजकुमार दास ने कहा कि हम जिस अयोध्या से आते हैं वहां राष्ट्र मंगल करता है। राम का अर्थ बताते हुए कहा कि रसे राष्ट्र व मसे मंगल, आज नई दिशा की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। यहाँ की धरती ने विश्व को शांति, संदेश, शिक्षा व दीक्षा देने का काम किया है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के किया गया पेश। महंत राजकुमार दास ने कहा कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इसको लगातार सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को नहीं पढ़ेंगे, हम चाणक्य अरिस्तु को पढ़ेंगे। सियासत करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे लोग पहले इतिहास का अध्ययन करें, हमारे यहाँ ऋषि मुनि परंपरा रही है, हम वाल्मीकि व तुलसीदास को पढ़ेंगे। आज भारत नई तउड़ाई ले रहा है, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। महंत राजकुमार दास ने उर्दू शायर की शायरी की चर्चा करते हुए कहा कि ना कोई भूखा रहेगा ना नंगा रहेगा, बता दो सभी को तिरंगा रहेगा, जो हमें बांटते हैं वह झंडा झुका दो, सभी के हाथों में तिरंगा रहेगा। हम लगातार शक्तिशाली हो रहे हैं, सियासत करने वालों की अपनी फितरत है। भारत का पैगाम विश्व को शांति, प्यार व मानवता का रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता रीना कुमारी की रिपोर्ट। आज अमृत महोत्सव में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे इस अमृत महोत्सव के बहाने? इस आर्यमगढ़ की धरती जो कि 16वीं सदी में आजम शाह, जो कि विक्रमाजीत सिंह के सुपुत्र थे, उनके द्वारा ये स्थापित नगरी, ऋषि मुनियों की ये पावन भूमि, माँ भगवती हमारी गंगा और सरयू के ये दोनों के बीच में स्थित तमसा के तीर पावन ये आर्यमगढ़, जो कि कालांतर में 16वीं सदी में आजम शाह के द्वारा इसका नाम बसाने की वजह से आजमगढ़ पड़ा, लेकिन ये पूरा भारत खंड जो है, हम लोग संकल्प लेते हैं तो आर्यावर्ते कहते हैं, ये पूरा भारत आर्य और द्रविड़ दो ही वर्ग हुआ करता था। जो दक्षिण के लोग थे वो द्रविड़ कहलाते थे और जो उत्तर भारत के लोग थे वो लोग आर्य कहलाते थे। तो हम लोग उस आर्य के क्षेत्र में स्थित हैं जो आर्यों का था, और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा। आप लोगों ने मंच के माध्यम से भी जाना और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, हमारे ऋषि मुनियों की ये पावन धरती रही है। उधर काशी, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पावनपुरी अयोध्या धाम, और सब जगह मंगलमय हो रहा है। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो पूरे विश्व का मंगल करे वही राम है। उस पावन धरती से हम पधारे यहाँ आ करके, जो आजमगढ़ के युवाओं का और बुद्धिजीवियों का, यहाँ के बहनों का, यहाँ के बालक बालिकाओं का जो स्नेह, जो उत्साह दिखा, उससे लग रहा है कि भारत अपने पुनः नई तरुणाई के साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भागवत पूजा जाता था, वो समय पुनः ये परिभाषित कर रही है आर्यमगढ़ की धरती। इसलिए इस धरती के निवासी और पूरे भारत के लोगों को एक ही संदेश है कि ना भूखा रहेगा ना नंगा रहेगा। एक शायर हुए हैं हमारे लखनऊ के, वाहिद अली वाहिद, मुस्लिम थे लेकिन उनका चिंतन बहुत उत्कृष्ट था। उन्होंने लिखा है, ना भूखा रहेगा ना नंगा रहेगा, बता दो सभी को ना दंगा रहेगा, जो हमें बांटते हों वो झंडे झुका दो, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। तो ये तिरंगा अमृत महोत्सव ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि हमारा भारत शक्तिशाली है और जागृत है। इस पर कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो पुनः सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद, बिस्मिल अशफाकुल्ला खान और विवेकानंद, शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रशखान इसी देश के हैं, और वो फिर जागृत होंगे इन्हीं युवाओं में से, उनकी आत्मा इन्हीं युवाओं में से प्रकट होगी जो नई दिशा देगी और नई दिशा की तरफ भारत अग्रसर है। मैं युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।